हे गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी दिन के हो चुके हैं, 3 बज चुके हैं और आप लोगों को यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स दिख रहा होगा ना। तो चलिए आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये तो खाली है, सारे ड्राई फ्रूट्स कहाँ गए? तो फ्रेंड्स, सारे ड्राई फ्रूट्स मैं बताती हूँ कहाँ गए। एक्चुअल में मैंने क्या करा था कि सारे ड्राई फ्रूट्स का जो बॉक्स था वो ऐसा ही रख के मैंने थैली के अंदर रख के उसको टांग दिया था, जिसकी वजह से सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स हो गए और उसकी ऊपर की जो पन्नी थी वो फट गई। इसकी वजह से ये पूरा खाली हो चुका है और सारे ड्राई फ्रूट्स की हालत ये हो चुकी है। तो अब मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स अलग अलग करके इसमें प्रॉपरली सेट करके इसको प्रॉपर रखूँगी। मैंने सोचा था चलो ठंड आ रही है तो कुछ हलवा वगैरह बनाएंगे, तो ड्राई फ्रूट्स लेके आई थी, पर इनकी हालत ये जो हो चुकी है, सारे मिक्स हो चुके हैं। तो इन सबको मैं अलग अलग करूँगी और सारे सेट करूँगी। हम बिखरे हुए थे, अब सवरने के बाद तो हम लाजवाब लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है मेरा ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स? बहुत अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि सारे मिक्स हो चुके थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रॉपर सेट होने के बाद एक नंबर लग रहे हैं। ऐसा मन कर रहा है एक भी ना खाऊं इसमें से। चलो तो इसको कर देते हैं अभी बंद, क्योंकि अभी कुछ नहीं बना रहे हैं, जब कुछ बनाएंगे तब इनका यूज़ करेंगे। तो ये हो चुका है पैक और ये मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं अपने लिए रखूंगी और सारे ड्राई फ्रूट्स मैं अकेली खाऊंगी। तो चलिए इसको हम रख देते हैं, उसके बाद मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी क्या सस्पेंस है। बस वीडियो को पूरा देखो तभी मजा आएगा। बाद में अब हम बनाएंगे वीडियोस यानी कि रील्स। तो आज मेरा ऑफ है, इसलिए आज मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और बाल मेरे बहुत ज़्यादा गीले हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने बालों को ठीक करेंगे, उसके बाद मैं अपनी रील्स बनाने के लिए जाऊँगी छत पर। और आज मैं साड़ी में अपनी रील्स बनाऊँगी। जी हाँ गाइस, साड़ी में। तो सबसे पहले हम अपना मेकअप वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपके साथ में पूरा मेकअप लुक तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। मेकअप करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे अपने लिप्स पे लिप बाम, ताकि होंठ थोड़े अच्छे से मॉइस्चर अच्छा मिल जाए और लिपस्टिक अच्छे से हमारी सेट हो जाए। तो मैंने प्राइमर लगा लिया था और मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया था। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी कंसीलर। मेरे पास ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, मैं नॉर्मल सिंपल सा मेकअप करूँगी। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम सारे प्रोडक्ट को अच्छे से अपने फेस पर सेट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया था स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जो कि सेट नंबर है, इसका शेड है 2 नंबर। वैसे तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है कंसीलर वगैरह की, क्योंकि ज़्यादा दाग धब्बे नहीं है तो कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जब भी लगाती हूँ एनी टाइम यही वाला यूज़ करती हूँ। और सच बताऊँ मेरे पास ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, परचेस करने हैं, बहुत जल्दी मैं परचेस करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे आईब्रो पेंसिल की हेल्प से अपनी आईब्रो को सेट कर लेंगे, लाइनर लगा लेंगे और काजल। ये सब चीज़ें करने के बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी, ठीक है? क्योंकि मैं आप लोगों से जब बात करती हूँ साथ साथ में मेकअप भी करूँगी ना, तो सारा फेस में बिगाड़ लूँगी और काजल सारा फैला लूँगी, इसलिए मैं पहले प्रॉपर अच्छे से लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा आई मेकअप डन हो चुका है। मैंने यहाँ पर आई शेडो नहीं लगाया है, मैं आज बिना आई शेडो लगाए ही आई मेकअप कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल सी मार्केट से जो सिंपल से जो एक आईलाइनर लिया था, आई पेंसिल जिसे बोल सकते हैं, वो ऐसे कुछ इस तरह से थी, तो उसका मैंने यहाँ पर लाइनर लगाया है और इसी का मैंने नीचे काजल भी लगा लिया है, आप देख सकते हो दोनों आईज में। तो मेरा आई मेकअप डन हो चुका है और मैंने आईब्रो को भी फिल कर लिया है। अब बारी आती है हमारे लिपस्टिक की। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी ये पिंक कलर की लिपस्टिक, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है और ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी। और ये लिपस्टिक मुझे ओनली 50 रुपीज में पड़ी थी। और हाँ, मैंने मस्कारा भी लगाया है, तो मैंने यहाँ पर मस्कारा लगाया है अल्टीमेट केश मस्कारा कलर गर्ल का, तो ये वाला मस्कारा मैंने यूज़ किया है। तो चलिए फटाफट से मैं लिपस्टिक लगाकर आप लोगों से मिलती हूँ। मेरा इतना मेकअप डन हो गया है। एक्चुअल में उधर लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा मेरा आई मेकअप और लिपस्टिक इतना ही करा है। अब मैं इयररिंग्स पहनूंगी और साड़ी पहनूंगी। तो साड़ी कौन से कलर की पहनूंगी वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहन रही हूँ रेड कलर की साड़ी एंड ब्लैक ब्लाउज है। तो फ्रेंड्स, आज मैं मतलब काफ़ी टाइम बाद साड़ी पहन रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ऊपर
साड़ी कैसी लग रही है, और मेकअप में मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रही हूँ। सिर्फ हल्का सा आई मेकअप किया और लिपस्टिक लगाई है तो भी इतना ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा है। तो चलिए मैं अच्छे से साड़ी वगैरह प्रॉपर पहन लेती हूँ, उसके बाद आपको फाइनल लुक बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे छत पर वीडियोज़ बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स पता है काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं साड़ी पहनकर रील्स बनाऊँ, लेकिन टाइम के इशू की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आपको तो पता ही है ऑफिस टाइम ऐसा टाइम है कि उसके चक्कर में मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मन तो बहुत कुछ करने का करता है, अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का मन करता है, लेकिन टाइम की वजह से कुछ भी सेट नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास आपको बताएं मेरे पास चेयर नहीं है बैठने के लिए, और एक फ्रंट टेबल भी नहीं है जिस पर मैं अपना सारा प्रोडक्ट रख के बैठ के आराम से सारा मेकअप कर सकूँ, या फिर कोई और वीडियो शूट करने के लिए मुझे हेल्प हो जाए। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा। और अभी मेरे बाल गीले हो रहे हैं इसलिए मैं थोड़ी अजीब सी लग रही हूँ, क्योंकि अभी बाल सूखने में थोड़ा सा टाइम, ये तो ऊपर जाएंगे तो सूख जाएंगे, वैसे मैं बाल खुले ही रखूंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना एक टेबल खरीद लूँ जिससे मुझे बहुत ईजी रहे वीडियोज़ वगैरह शूट करने में, बैठने के लिए भी और मेरा सारा सामान सेट करने के लिए भी। तो हो सकता है तो मैं शाम तक जाऊंगी टेबल वगैरह देखने के लिए। यार थोड़ा सा खर्चा तो करना ही पड़ेगा। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि दीदी की रनिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसके बारे में भी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, आप लोगों को पता चल जाएगा अभी तक क्या हुआ है, कैसी मेरी यूट्यूब जर्नी रही है। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है कि मैम आपने कौन सा कोर्स किया है, ये वो बहुत सारी चीजें जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी, तो वो भी सब करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहन लेते हैं साड़ी, और काफी टाइम हो गया, ये बहुत पुरानी साड़ी है, और ये ब्लाउज भी क्या पता मैं मोटी हो चुकी हूँ, ये ब्लाउज मुझे आएगा या नहीं देखते हैं। तो चलिए फटाफट से साड़ी पहनकर फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। मैं ये शेयर करना था, मैं भूल ही गई, यहाँ पर मैंने कॉम्पैक्ट के लिए कलर एसेंस का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, और ये मैंने ब्लश के लिए एडेस का नॉर्मल सिंपल सा यारी भी लोकल मार्केट से लाई थी मैं, ये मैंने यहाँ पे ब्लश के लिए यूज़ किया है। ज़्यादा लाइट पिंक नहीं किया मैंने, मुझे ज़्यादा ब्लश पसंद नहीं है। तो ये मेरा फाइनल लुक है, अब मुझे एयरिंग्स पहनने हैं और बाल बनाने और साड़ी पहननी है बस, के बाद मेरा लुक कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ते है वो वीडियो के लिए तैयार हो रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? साड़ी मैं पहन रही हूँ और ये अभी से मेरी वीडियो बनाने लगा है, अभी मत बनाओ, मैं पूरी प्रॉपर साड़ी पहन लूंगी, उसके बाद तुम वीडियो शूट करना। मेरी कमर दिख रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज कैमरे को भी। है फ्रेंड्स, आप मेरा फाइनल लुक देख सकती हो, मैंने रेड कलर की साड़ी पहन ली है और इसका पैक कुछ ऐसा है, थोड़ा मेरा पास ना हो गया हमारी जो कैमरा मैन है वो थोड़ी ऐसी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज रील्स बनाने के लिए, क्योंकि काफी टाइम बाद मैंने साड़ी पहनी। और हमारे दो छोटे छोटे कैमरा मैन है, एक उधर है देख सकते हो, ये भी तैयार है और मैं भी बनाऊंगी। तो बहुत मेहनत लगती है यार, मतलब जो लोग डेली वीडियोस बनाते हैं उन्हें कितना टाइम लगता होगा, हम मैंने तो सिर्फ आज के लिए मतलब साड़ी वगैरह पहनी है तो इतना वो हो रहा है। और इधर देख सकते हो मैडम भी चेंजिंग बनाएंगे, तो ये भी काफी एक्साइटेड है। तो चलिए अब हम चलेंगे छत पर और मैं आपको मिरर में एक बार अपना पूरा लुक दिखाती हूँ, ठीक है फ्रेंड। ये मेरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। चले ऊपर, तो चलो मेरे कैमरामैन बिल्कुल रेडी है और मैं भी ऊपर जाऊंगी, वहां जाकर रील्स वगैरह शूट करूंगी। चलो मैं आ चुकी हूँ छत पर और मुझे साड़ी में बिल्कुल भी प्रॉपर चलना नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी हमें जाना है ऊपर वाली छत पर, वहां जाकर हम वीडियोस बनाएंगे, तो चलो ऊपर चलते हैं। फ्रेंड्स तो सोना दीदी नहीं चल पा रहे है साड़ी में, ये पता नहीं शादी के बाद क्या करने वाले है। लली हट नहीं, अभी दिखी नहीं रही, तो भी वो नहीं चल पा रहे है फ्रेंड्स, आप जैसा देख सकते हैं। लगने लग गई भूख और मेरे कैमरामैन को भी भूख लगने लग गई दोनों को, तो हम खा रहे हैं अभी खाना। और आप देख सकते हो ऐसे ही बैठ गए हैं, गाजर और मटर की सब्जी और रोटी है, तो अभी हम खाना वाना खा के, और सबसे मेन रीजन तो मेरा फोन हो चुका था पूरा डिस्चार्ज, तो बस उसको भी चार्ज करना, थोड़ा और चार्ज हो जाए उसके बाद फिर से जाएंगे हम, और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए। मैडम को देख सकते हो कैसे भूखी, भूखी को देखो, मैंने कहा कि मेरे पास एक रोटी। तो फ्रेंड्स बहुत मजा आता है इन लोगों के साथ में, मतलब ऐसा लगता है कि यार मेरी पूरी टीम है, छोटे बच्चे हैं पर फिर भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। तो चलिए मैं खा लेती हूँ खाना, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ।
तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी रील्स बन चुकी है और सारा शूट भी हो गया है। अब मैं चेंज करूंगी और ये मेरे जो कपड़े दिख रहे हैं ना, ये मैडम पहनेंगे, पल्लवी मैडम, क्योंकि उनको भी रील्स बनाने का मन हो गया है मुझे देखकर। तो चलिए ये सारा उतार कर उनको दे देते हैं और मैं आ जाती हूँ अपने पुराने ड्रेसअप में, जो कि बहुत ही गंदा लगेगा और मुझे काफ़ी मज़ा आया साड़ी में। और पल्लवी और करिश्मा को थैंक यू सो मच, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, अगर वो लोग नहीं होते तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाती। तो दोनों अंदर छुपे हुए हैं, कहाँ गए दोनों? ये एक इधर छुपी हुई है, जब भी कैमरे की बात आती है तो छुप जाती है, कभी भी सामने नहीं आती। और एक और कहाँ है? मैं बताती हूँ, ये यहाँ छुपी हुई है। इतनी भी गंदी नहीं लगती कि कैमरे में नहीं आना चाहे, और लाइट चालू कर दी जाए सबसे पहले। और यहाँ पे लाइट की जरूरत नहीं है, वैसे तो बहुत अच्छा आ रहा था। और एक ऊपर बैठी करिश्मा, एक साइड बैठी है पल्लवी, तो दोनों डॉल है, दोनों मेरी छोटी सिस्टर जैसी है। तो चलिए अब ये सारा उतार कर मैडम को दे देते हैं और फिर मैडम को रेडी करते हैं। तो चलिए अब मैंने तो अपना सारा मेकअप रिमूव कर, मेरी मेकअप रिमूव नहीं करा, मतलब मैंने सारे अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और अब मेरे कपड़े किसने पहने मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप इधर देख सकते हो। मैडम ने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत मजा आया। और आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन बन गया, क्योंकि हमने पूरा दिन मस्ती करी, वीडियोस बनाए, काम किया और स्पेशल डे बना लिया। तो अब मैडम कपड़े चेंज करके बनाएंगे चाय, क्योंकि मुझे चाय पीनी है और शाम की 6 बज चुके हैं, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और ठंडा मौसम हो चुका है। दिन में तो पता ही नहीं चला, वीडियो शूट करते करते अब शाम को लग रही है ठंड। और मैं भी जाऊंगी अभी नीचे और स्वेटर वगैरह पहन कर आऊंगी, सॉक्स वगैरह पहनूंगी। और हाँ गाइस, अभी खाने के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं है क्या बनेगा। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है हम लोगों की। और इन दोनों ने भी मेरी बहुत 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 हेल्प करी, एंड थैंक यू सो मच करिश्मा एंड पल्लवी। और पल्लवी की भी बहुत सारी वीडियोज है, एक दो वीडियो में अपलोड करूंगी। और आजकल मेरे व्यूज बहुत कम हो चुके हैं, क्या पता आप लोगों को, मैं नहीं, मेरे इंजेक्शन ज्यादा पसंद है इसलिए। बट अब मैं इंजेक्शन वीडियोस नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरा मेडिकल चैनल बना दिया है आप लोगों ने और मेरा मेडिकल चैनल नहीं है। तो चलिए मैं स्वेटर वगैरह पहन कर आती हूँ, उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ।